गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, ये टॉपिक ऐसा है जो कहीं ना कहीं एक टैबू बन चुका है, यानी कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, डिस्कशन नहीं करना चाहता, ना ही हम खुल के अपने डॉक्टर से बात कर पाते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं 100% वुमेन रिलेटेड है, लेकिन मेंस को भी इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके लाइफ पार्टनर जो है वो खुश नहीं है, आपकी डॉटर खुश नहीं है और कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं जो वो आपसे खुल के डिस्कस नहीं कर पा रही है, तो नाउ इट्स हाई टाइम आपको भी इन परेशानियों के बारे में पता होना चाहिए और सोल्यूशन के बारे में। तो चलिए, बिना लेट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक के बारे में बात करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वुमेन, आज की वुमेन जो है मल्टीटास्कर है। जी हाँ, वो घर भी संभाल रही है, बाहर अपनी अगर नौकरी कर रही है उसको भी संभाल रही है। कुछ वुमेन्स के वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि घर के काम के साथ मैनेज करने में एक्चुअली उनको बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है। फिर बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों की पढ़ाई देखना, घर में सबकी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, और बहुत कुछ मैनेज करते हुए घर के काम, बाहर के काम, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, इतना कुछ हो जाता है कि कई बारी तो मतलब आखिर में जो कॉम्प्रोमाइज होता है ना, वो होती है वुमेन की हेल्थ, राइट। और सबसे बड़ी जो आज हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं प्री मेंसुरल सिंड्रोम के बारे में। फ्रेंड्स, हर महीने सेम वही प्रॉब्लम, पेनफुल पीरियड्स, और उनको भी शुरुआत मतलब अभी पीरियड्स आए भी नहीं है। कुछ वुमेन्स को तो 1 वीक या 2 वीक पहले से ही उसके अलग अलग सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को ही हम प्री मेंसुरल सिंड्रोम कहते हैं, राइट। एक्टिव लाइफस्टाइल में जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा भी बनते हैं। बहुत सारी वुमेन्स, नंबर ऑफ वुमेन्स जो है इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को सहती रहती है। उनको लगता है कि इसका तो कोई सलूशन ही नहीं है, और डॉक्टर से भी जाके बात करे तो क्या बात करे, फिर कुछ एक्टिव हार्मोन्स की मेडिसिन कहीं ना मिल जाए, इस डर से वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हैं। आप जानते ही हैं, हर समय वुमेन्स की बॉडी में जो है, हर कुछ समय में हार्मोन्स जो है उनके लाइफस्टाइल चेंज होने के साथ साथ वो भी चेंज होते रहते हैं, और इस वजह से महिलाएं फिजिकली और मेंटली और कई बारी इमोशनली भी बहुत सारी परेशानियां झेलती हैं, राइट। अगर एक स्टडीज देखी गई तो ग्लोबली 47.8% वुमेन्स ने ये PMS की प्रॉब्लम जो है, राइट, प्री मेंसुरल सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है, इससे वो अफेक्टेड रहती हैं, खासकर अपनी रिप्रोडक्टिव एज में। तो फ्रेंड्स, क्या हैं ये फिजिकली सिम्टम्स जो हमें PMS के दौरान, प्री मेंसुरल सिंड्रोम के दौरान होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। आप भी ज़रूर इसको ध्यान से सुनिए और देखिए, क्या आप भी इन सिम्टम के शिकार हैं, क्या आपको भी इनमें से कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम, ब्लोटिंग, फुलावटपन या भारीपन और हेवीनेस होना, खासकर हमारे लोअर एब्डोमेन में, यानी पेट के निचले भाग में, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, या फिर सरदर्द होना, या आप ऐसा फील करें कि आपका वेट गेन हो रहा है। कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को जो है एक्ने आने स्टार्ट हो जाते हैं, कहते हैं ना फेस पे एक्ने आ गए, लगता है मेरी पीरियड्स की डेट आने वाली है इसीलिए ये एक्ने हो गए हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएं कॉन्स्टिपेशन का भी सामना करती हैं, या कुछ महिलाएं जो है उनको डायरिया हो जाता है, यानी पेट उनका गड़बड़ हो जाता है, उनका डाइजेशन भी हिल जाता है। ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो फिजिकली आप फील कर सकते हैं कि आपके पीरियड्स की डेट पास आ रही है उससे पहले। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इमोशनली भी होते हैं PMS के दौरान, यानी कि इमोशनली भी आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि रेस्टलेस होना, एंग्जाइटी फील करना, राइट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत इरिटेशन फील करना, मूड स्विंग्स होना, इमोशनल आउटबर्स्ट होना, यानी कि अचानक से आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाएगा, और कई बारी तो आप अचानक से खुद ही रो पड़ेंगे, जिसकी वजह भी बहुत आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्यों रो रहे हैं, राइट। इसके अलावा थके हुए रहना, नींद अच्छे से नहीं आना, या फिर
आप कह सकते हैं कि कुछ भी याददाश्त रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, यानी चीजों को याद रखने में, रिमेम्बर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ब्रेन फॉग फील होना यानी कि। इसके अलावा फूड क्रेविंग्स बढ़ जाना, बार बार भूख लगते रहना और कुछ भी अटपटा खाने का भी मन करना, इसका एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा सेक्स ड्राइव भी रिड्यूस हो जाना, राइट? ये सारे ऐसे इमोशनल सिम्टम हैं जो पीएमएस के दौरान एक महिला जो है इमोशनली भी फील करती है। और ऐसे कुछ कारण भी है जो इस पीएमएस की प्रॉब्लम को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। आप कह सकते हैं ये हमारी रोज की आदतें, हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप ओवरवेट हैं या ओबेसिटी के शिकार हैं तो भी इस केस में भी आपके पीएमएस के जो सिम्टम्स हैं वो चाहे फिजिकली हो या इमोशनली हो, वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो सकते हैं। या फिर अगर आप रेगुलर स्मोकर हैं तो भी पीएमएस की प्रॉब्लम आपको कुछ हद तक ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है पर्सनल किसी इशू की वजह से या फैमिली की डिप्रेशन हिस्ट्री रह चुकी हो, इस वजह से भी जो है आप पीएमएस की प्रॉब्लम को जो है ज़्यादा बड़ा फील कर सकते हैं। या फिर आपका खान पान अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर किसी चीज की है आपको, तो भी आपको जो है ये परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, क्या करें पीएमएस जैसी इस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए, क्या सोल्यूशन है? तो कुछ आपको टिप्स यहाँ पे जरूर मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि अगर आप वेल बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, प्रॉपरली अच्छा खाना खान पान अपना अच्छा रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखते हैं, तो पीएमएस की प्रॉब्लम में डेफिनेटली आपको कुछ हद तक समाधान मिलेगा। प्लेंटी ऑफ वाटर, अच्छी मात्रा में पानी पीना भी कहीं ना कहीं इसमें मददगार रहता है। इसके अलावा लो टू मिड इंटेंसिटी वर्कआउट अगर आप करते हैं, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितना आपको समय मिल रहा है, चाहे हल्का फुल्का व्यायाम करें या थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी का भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, इससे भी आप नोटिस करेंगे पीएमएस सिम्टम्स जो हैं आप उससे फाइट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप अच्छी नींद, गहरी नींद लेते हैं तो भी आपको पीएमएस के सिम्टम्स से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ अपने न्यूट्रिशनल गैप्स को पूरा करना और प्रॉपर पीरियड्स की केयर करना भी इसका वन ऑफ द बहुत इम्पॉर्टेंट एक अच्छा रीज़न है जिसकी वजह से पीएमएस से आप कुछ हद तक बच सकते हैं। अब प्रॉपर पीरियड्स केयर का मतलब क्या है इसको भी जान लेते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वुमेन्स की ओवरऑल हेल्थ पर और उनकी लाइफ में भी डेफिनेटली डिफरेंस लेकर आता है। फ्रेंड्स, प्रॉपर पीरियड केयर ये एक ऐसा टैबू है, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता। अगर हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करना भी चाहें तो सामने वाला कहीं ना कहीं अवॉइड करने लग जाता है। लेकिन अब वो समय आ गया है कि सोसाइटी के इन बैरियर्स को आपको इग्नोर करना होगा, इन टॉपिक्स पे बात डेफिनेटली करना होगा। आपकी घर की महिलाएं, चाहे आपकी मदर हो, वाइफ हो, आपकी डॉटर हो, उन सबको प्रॉपर इसकी नॉलेज देना और इसका सोल्यूशन देना अब राइट टाइम आ चुका है कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इसकी अवेयरनेस अपनी सोसाइटी में भी फैलाना बहुत जरूरी है। तो इसी की शुरुआत की है मोदी केयर ने। जी हाँ फ्रेंड्स, मोदी केयर वेल कैटेगरी में इससे रिलेटेड 3 नए ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं जो कि कंप्लीट पीरियड केयर, वेल पीरियड केयर के नाम से ये तीनों प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। और आपके वो कठिन 5 दिन महीने के जो है कहीं ना कहीं वो एक सनशाइन में चेंज होने वाले हैं, यानी आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है कहीं ना कहीं डिजॉल्व होने वाली है। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने भी इन 3 प्रोडक्ट्स को ट्राई किया है, उनकी स्टडीज के अकॉर्डिंग, उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये आपके प्री मेंसुरल सिंड्रोम्स जो हैं उनको बहुत हद तक कम कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। मेंसुरल पेन जो ड्यूरिंग मेंसुरेशन रहती है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और आप एक बेहतर लाइफ जो है अपनी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये 3 शानदार प्रोडक्ट जो मोदी केयर हमारे लिए लेकर आया है, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, वो है वेल फ्रीडम टैबलेट्स, वेल फ्रीडम पाउडर और वेल फ्रीडम रोल ऑन। तो स्टे ट्यून फ्रेंड्स, जल्दी ही आपको इन तीनों प्रोडक्ट्स की वीडियो, डिटेल्ड वीडियो जल्दी मिलने वाली है। तब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो देख सके कि वो कौन से सिम्टम से जूझ रहे हैं,
जिसमें उनको डेफिनेटली इस प्रॉपर पीरियड केयर की जरूरत है। थैंक यू सो मच।